what all we have studied there. Then we'll proceed further. Okay, keywords. I think up to the passwords we went. Float, it is there. Statistics. Most used in generating codes. Okay, random number. Date, time, and generating codes. Okay, so till last day we have seen the use of random in generating the codes. Today we'll be having a look on the use of random in analyzing duplications. Okay. See where it is, AIML. Let's rename the file first. So you will be looking towards random module today, first of all. Let me first see, I think there is some sort of night shift on. Okay. Yeah, random functions we can say on. Okay, so there we need to import random. Or as RN you can say. Okay. Then random में हमने last date पे क्या देखा था? Random int, random range. ये सब देखे थे ना? We had all these three functions. Random, range. So in random if I again come with the directory guys, like अगर हम वापस से directory पर देखेंगे, तो in RN we have all these things. Okay. So the four important stuffs. Right. The four important things, the four important stuffs what we need is, here is randint, random, randrange and sample. Okay, so one by one going through all those. Let's say, chalo aap log batao randint, what does randint means here? Randint se kya hota hai? Aap logon ne to use bhi kiya, bataiye. It will return random integer. और रैंड रेंज में तो रैंड इंट में बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड. अभी एंड पॉइंट क्या होता है कि यू हैव अ रेंज ऑफ नंबर्स, है ना? रेंज यू अंडरस्टैंड लाइक गाइस, या सबको समझ में आता है ना रेंज क्या होता है? है ना, रेंजेस पता है ना सबको? एनीवन हैव एनी डाउट्स कि what is a range? Interval, stepping values, clear है ना range में सबको? चलो एक बार बता देते हैं फिर भी. तो in ranges you have three particular things, ठीक है? एक होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरह से. Whenever you have a range of element, you have the start, you have the stop, you have an interval which we call it as stepping value. कुछ इस तरह से, ठीक है? तो randint को भी हम बाद में देखते हैं. रेंजेस पहले देख लेते हैं.
तो इन रेंजेस व्हाट यू हैव, अगर मैंने लिख दिया कि आई वांट टू गेट अ रेंज ऑफ 1 to 5 नंबर्स, सॉरी 1 to 5 नंबर्स, सो बेसिकली इट इज गोइंग टू गिव मी ऑल द नंबर्स फ्रॉम रेंज 1 टू रेंज 5, दैट मींस 1 to 4, क्लियर। अगर मुझे 1 से लेके 5 तक के रेंज के नंबर्स चाहिए तो 1 से लेके 5 तक में कितने नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3 and 4, इससे ज़्यादा कुछ आता है नहीं ना। तो 1 से लेके 5 तक में जितने नंबर्स होंगे वो सारे आपके रेंज में आएंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि प्रिंट मी द रेंज ऑफ -6 to -4, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? -6, -5, -3 है? चलो करके देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखा प्रिंट द लिस्ट ऑफ द रेंज ऑफ -6 to -4, तो सॉरी -4 दिया था ना, -3 नहीं आएगा, तो -6, -5 आया है ना। सिमिलरली अगर 1 से 5 इसको दे रहा हूँ तो अगर इन्हीं चीजों को 1 से 5 लिखूं तो 1, 2, 3 and 4 आएगा, समझ गए। ये स्टार्टिंग लिमिट है आपका और ये स्टॉपिंग लिमिट है, दिस इज योर स्टार्ट एंड दिस इज योर स्टॉप। नाउ व्हाट इज द इंटरवल इन क्लास 10th, इफ यू रिमेंबर यू माइट हैव रीड अ चैप्टर कॉल्ड एज इन मैथमेटिक्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा होगा। तो देयर अ टर्म वाज देयर कॉल्ड एज डी, कॉमन डिफरेंस, यस सर, है ना, सबको याद है क्या? यस सर, है ना, बाकियों को याद नहीं है क्या? कॉमन डिफरेंस डी, यस सर, तो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट द स्टेपिंग वैल्यू है और कुछ नहीं है, स्टेपिंग वैल्यू। तो सर एक चीज समझ नहीं आई कि जैसे हम 1 टू 5 की रेंज निकाल रहे हैं तो 1 टू 4 तक की क्यों प्रिंट कर रहा है, मतलब रेंज का क्या कांसेप्ट है? हाँ वही वही चीज समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर जे तक के, ए से जे के बीच में कितने सारे बोल लो अल्फाबेट्स आते हैं, तो आप लिखोगे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ तक आते हैं, है ना। जे तो आपका लास्ट लेवल है, वहाँ तक कितने आते हैं ये पूछा मैं, तो वहाँ तक आपने बताया ए से लेके आई तक आते हैं। तो सिमिलरली अगर रेंज से 1 to 5 पूछा कि रेंज ऑफ 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स चाहिए, तो 1 से लेके 5 तक के अंदर कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4 ही आते हैं, 5 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो वो रैंड इंट में आता है। रैंड इंट का मतलब आपको एक रैंडम इंटीजर चाहिए 1 से लेके 5 के बीच में, लेकिन अगर एक रैंडम रेंज ऑफ इंटीजर चाहिए 1 से लेके 5 तक में तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। एंड पॉइंट यही है, स्टॉप को ही एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता उस केस में। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया rn डॉट रैंड रेंज, चलो पहले तो ये काम करते हैं कि रेंज जो है इंटरवल देख लेते हैं इसमें। तो इंटरवल में क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर मैंने लिखा कि प्रिंट अ लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 0 से लेकर 10 तक अगर मैं एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा हूँ और 1 के इंटरवल में प्रिंट कर रहा हूँ, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाएगा, है ना। 10 तो आएगा नहीं, या 10 भी लाना है तो 11 करना पड़ेगा, तो 0 से लेकर 10 तक आ गया। अब मुझे 0 से 10 तक के एलिमेंट्स जो है, मैं बोला कि मुझे आई वांट इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कैसे आएंगे? 2 का इंटरवल्स होगा, तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करके यहाँ पर 2 कर दिए तो इवन नंबर्स आएंगे, है ना। तो अभी क्या 0 आ रहा है, तो आप कहाँ से ले सकते हो? आप 0 को हटा कर 2 से ले सकते हो, है ना, कि आपको 2 से चाहिए। अभी उसी चीज को आपको ऑड चाहिए तो आप क्या करोगे? 1 से लेके इसको ऐसे करोगे, अब फिर 2 में रन कर दोगे,
कोई कुछ पूछा क्या? एनीवन आस्क्ड एनीथिंग? नहीं, ओके, चलो समझ में आई बात। वन से लेकर नाइन तक आ गए, ऑड चाहिए तो वन से आप इलेवन पे रन करो, तो ये इंटरवल होता है, एकदम क्लियर होगा आई गेस, राइट? तो अभी इसको लेकर आते हैं रैंडम इंटीजर को। सर हाँ, यहाँ पे हम लिस्ट लिख रहे हैं ना, लिस्ट क्या है, डेटा को है, डेटा टाइप है कोई? हाँ डेटा टाइप है, लिस्ट लिस्ट आगे पढ़ेंगे, डेटा टाइप है। अच्छा मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड नहीं है? हाँ ये प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स तो प्री डिफाइंड ही है यहाँ पाइथन में। ओके ठीक है, रैंड एंड एंड पॉइंट इंक्लूडेड, मतलब अगर मैं rn, अरे अगर मैं rn डॉट रैंड एंड लिखूंगा 1 से 5 तक, तो आई कैन गेट अ नंबर, राइट? अरे यार ये कोड में था ना, तो आई विल गेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रैंडम इंटीजर चाहिए आपको, कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 1 से लेके 5 तक में से कोई भी एक रैंडम इंटीजर चाहिए। ये चीज़ चेंज हो जाती है जब यहाँ पे हम सिर्फ रेंज लगा देते हैं। तो यहाँ पे बस फाइव मेक अ रैंड रेंज, तो यहाँ आपको कभी मैक्स लिमिट आपको 5 नहीं मिलेगा, आपका स्मॉलेस्ट 1 होगा और यहाँ पे भी आपका स्मॉलेस्ट 1 होगा, लेकिन मैक्सिमम इसमें 5 होगा, इसमें नहीं 5 होगा। तो मैक्स वैल्यू कभी पूछा गया कि रैंड इंटीजर में मैक्स वैल्यू कितना आएगा और रैंड रेंज में मैक्स वैल्यू कितना आएगा, तो रैंड रेंज का मैक्स वैल्यू वही होगा जो उसका लास्ट नंबर, और रैंड सॉरी रैंड इंट का, और रैंड रेंज में एक आप नेगेटिव कर लो उसका माइनस, समझ गए बात? अब इसके बाद आता है एक रैंडम, एक होता है नॉर्मल रैंडम जो जिसमें कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है, बस रैंडम लिख दो आप। तो इसमें बेसिकली इट जनरेट्स यू, इट गिव्स यू ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम इंटरवल ऑफ 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच में आपको कोई भी एक नंबर दे देगा, ऑब्वियसली 0 नहीं देगा और 1 भी नहीं देगा, है ना? तो 0 से 1 के बीच में देगा बनेगा इंटरवल ऑफ 0 to 1, तो यू विल गेट फ्लोटिंग पॉइंट्स। मैंने लिखा जैसे रैंडम, rand range of 1 to 5 will have max value of 4, wo rand int hota to we will have max value of 5, samajh gaye? सर इसमें 0 से 1, 0 और 1 दोनों कभी भी आउटपुट नहीं आएंगे, सिर्फ 0 और 1 के बीच का आएगा? इसमें आप देखो इंटरवल्स और 0 और 1 के बीच में ही देते हैं, कि पॉसिबली एकदम अप्रोक्सीमेटली जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं देगा। ओके सर, ठीक है, चलो एक सेकंड।
तो रैंडम रन किया हमने, ठीक है। अब इसको आप कितने भी लूप लगा के एक छोटा सा रैंडम लिस्ट बना दो RL, ठीक है। एक ब्लैंक लिस्ट ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने दे दिया फॉर आई एन RL, या आप ले लो रेंज ऑफ 100, 100 का छोटा सा एक रेंज ले रहे हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 100। क्या करेंगे, RL डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड करेंगे RL डॉट रैंडम, ठीक है। RL डॉट रैंडम एंड आप इसको बस ऐसे ही रन करा दो। तो अभी RL को अगर हम चेक करते हैं तो यू विल सी दैट यू हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, ओके। देखो 0.99 दिख रहा है आपको, अप्रोक्सीमेट पहुंचा देगा, 0.00 भी दिख रहा होगा। राउंड ऑफ करेंगे अगर सबको तो आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे, फॉर लगा के वापस से राउंड ऑफ भी कर सकते हो, समझ में आ रही बात। राउंड ऑफ कैसे करते पता है ये? नो सर। yes, हाँ कैसे करते है बताओ। So you round function. कौन सा function? Round. Round function. हाँ तो round function, आप ही मुझे इन सब को 2 decimal places तक round करना है तो कैसे करूँगा? So we can give a place value ना in round function. नहीं वो मैं समझ गया आप क्या बोल रही हैं। मैंने कहा ये कि अभी ये जितने नंबर्स दिख रहे हैं ना मुझे, आई वॉन्ट टू मेक इट राउंड अप टू 2 decimal places, है ना। मतलब जैसे ये सारे प्रिंट हुए, प्रिंट होना चाहिए 0.00, 0.94, 0.30, ऐसा चाहिए मुझे। तो व्हाट शुड बी द कोड? जस्ट वी विल add round before the random the place value 2, yeah, aisa aisa na, right? Yes sir, yeah, yeah, okay, clear guys? Yahi puch raha tha. चलो आगे देखते हैं। तो रैंडम इट इज क्लियर आई गेस, ओके। नाउ द टॉपिक व्हाट वी वांट टू डिस्कस हियर इज एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, एनालाइजिंग और रिकॉग्नाइजिंग डुप्लीकेशंस इन योर डेटा। अभी एक बात बताओ मुझे, डुप्लीकेशंस कब होते हैं आपके डेटा में? व्हेन यू हैव डुप्लीकेशंस इन योर डेटा? व्हेन डेटा हैज रिडंडेंसी। सो व्हेन डेटा हैज रिडंडेंसी। देखो जब हम रैंडम कोड्स क्रिएट करते हैं तो वी गेट सम डुप्लीकेशंस देयर, पॉसिबल है, राइट? इफ लाइक सम टाइम्स, जैसे मैंने कहा कल क्वेश्चन था एक कि कोड क्रिएट करना है, है ना, एक कोड क्रिएट करना, 4 digit code, 16 digit code जो भी है। अभी इफ इट इज अ 16 digit code तो मोस्ट ऑफ यू व्हाट यू हैव डन इज RN डॉट रैंडम
ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक लिए होंगे, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ऐसी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा कुछ आप ले लोगे एक नंबर, है ना। ऑब्वियस डालने के पहले कुछ तो सोचे होगे कि 100 डालना है, 999 डालना है, क्या डालना है, है ना। तो एक अगर 16 डिजिट कोड यू आर जनरेटिंग, तो कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होंगे उसमें, 0 से 9 तक होंगे कि और कहीं से आएंगे और नंबर्स, इतने ही नंबर्स में क्रिएट करोगे ना। यस सर। बाकी लोगों को क्या हो गया, समझ आ रहा है कि ना, एक 16 डिजिट अगर कोड आपको जनरेट करना है तो यू हैव नंबर्स लिस्ट, तो नंबर्स भाई आपके पास जब है तो आप कहाँ से यूज करोगे, 0 से लेकर 9 तक के अंदर यूज करोगे, तो इतना लंबा 16 डिजिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, स्ट्रिंग्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि स्ट्रिंग रेप्लिकेशन और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नाम की चीज़ होती है, पढ़ा है ना। Sir, your voice is not clear. I said you might have read that there are some two kind of terms in string, that is string replication and string concatenation. Now is it okay? Audible to everyone? Anyone having problem? Yes, sir. At my side, actually because some weather problems are there. The windy weather here now. So maybe some sort of voice issues would be there. Okay, so string replication and concatenation. What are concatenation? If I say this is S, I want to add, okay, this is X equals to, let's say, ice. Okay, if I'm writing X plus equals to cream, so if I print my X, what it is? Ice cream. Ice cream. So this is concatenation. Yes. Right? What is replication then? If I say 1, 2, 3, 4, 5 multiplied by 3, what would be the result? An error. Yes? If it is like this, what is the result? Error. Because the string will be multiplied with the string. No answers. But what if it is an integer? Kya mil raha aapko? Wahi same number 3 times repeat ho gaya, hai na. If I convert this to an integer, aapko result aa jayega. But agar ek string ko if you multiplied for what many number of time, you'll get the same things, hai na. So if code mein we could have used a 16 digit code, we could have used join, we can also use rn.sample. Then वही 0 से लेकर 9 तक numbers you know, okay, you multiply it with 3, okay, you multiply it with 3 and you want 4 codes from there. अभी ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा होगा, sorry 4 नहीं 16, अभी if we don't do like this, multiply नहीं करेंगे तो what will the problem, हमको तो पता है कि 0 से 9 तक numbers ही है, उससे ज़्यादा numbers तो है नहीं, है ना, 0 से 9 तक ही numbers है और चाहिए हमको 16 डिजिट कोड, तो इफ वी रन विल गेट एन एरर कि सैंपल मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट के। ओके, अच्छा अभी तो फिलहाल एक प्रॉब्लम है इसमें कि यहाँ 16 लिखना था और यहाँ रन करना था, खैर ये एरर नहीं आना चाहिए था, ये एरर आना चाहिए, हाँ वैल्यू एरर कि सैंपल लार्जर देन पॉपुलेशन और इज नेगेटिव, आपका पॉपुलेशन इतना है, आपको सैंपल चाहिए इतना, कहाँ से आएगा, राइट, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, पॉपुलेशन ही नहीं है उतने तो सैंपल्स कैसे निकाले, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे चुपचाप, कोड को क्यों बढ़ाना, और ऐसे रन कर देंगे, मिल जाएगा आपको, समझ गए, अरे क्लियर है सबको। यस सर। जॉइन क्या है यहाँ पे, जॉइन देखो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है, अभी स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, तो जॉइन एक फंक्शन है कि स्ट्रिंग में अगर ऐसा आपने कुछ रखा है, इस तरह का डॉट है और आपने फिर इसमें जॉइन कर रहा है, तो जॉइन में आप कुछ रखो, जैसे वन या आपने लिख दिया
वन टू. सो ज्वाइन बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग में आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो बेसिकली. ये तो खैर मैं नंबर दिखा रहा हूँ आपको, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है. इसमें आप क्या ज्वाइन कर रहे हो, ये ज्वाइन कर रहे हो. इसके अंदर क्या है, आर एन डॉट सैम्पल. अभी आप एक ना एक स्ट्रिंग है आप जो इसमें ज्वाइन कर रहे हो बेसिकली, कुछ और नहीं है. ये स्ट्रिंग है इसमें आप ज्वाइन कर रहे हो एक और स्ट्रिंग एस टी आर एन जी, ज्वाइन कर दो बस. एक ब्लैंक स्ट्रिंग में आपने कुछ ऐड कर दिया, समझ गए? ओके सर. जैसे ब्लैंक लिस्ट में हमने अभी ऐड किया ना अपेंड करके, हाँ जी, ये बस वही है. ये ब्लैक स्ट्रिंग था उसमें आपने ज्वाइन यूज किया और स्ट्रिंग अंदर ऐड कर दिया. अब ये एक ही देता है आर्गुमेंट, तो ये पूरा एक आर्गुमेंट ही है. ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है ना, तो वो उसके अंदर क्या. तो भाई रैंड एंड अभी 16 डिजिट कोड बोला, कल के दिन आपको बोलता 25 डिजिट कोड थी, तो आप क्या 25 डिजिट तक स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट डालते? नहीं सर. है ना, तो कुछ ऐसा लंबा मिल जाएगा तो आप उतना लिखोगे क्या? 0000999. अरे अब 0 से 9 तक ही तो नंबर हैं, कितना चाहिए? 15, 16 डिजिट का भी कोड चाहिए तो आप इसको क्या करोगे, आप 100 टाइम्स रन कर देना और कर देना 60 डिजिट का भी कोड चाहिए तो रन कर दो, 60 डिजिट का भी कोड मिल जाएगा आपको. ओके सर. है ना, तो कोड को थोड़ा स्मार्ट वे में सॉल्व करना है, यही लॉन्ग प्रोसीजर्स में चल गया. चलो 16 अभी आगे देखते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखो. हाँ हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? सैंपल का फंक्शनैलिटी पूछ रहे हो? यस सर. ओके चलो दिखाते हैं. डॉक्यूमेंटेशन देख लो पहले. तो इट चूज के यूनिक रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन सीक्वेंस और सेट. ठीक है समझे? मतलब yes, कोई भी एक यूनिक रैंडम एलिमेंट से निकालेगा किसी एक पॉपुलेशन में से. यहाँ पे क्या कर रहे हैं सैंपल के साथ, देखो इधर दिया हुआ एक छोटा सा एग्जांपल, ये उठाया सैंपल को कॉपी किए पेस्ट किए और रन किए तो एरर दे देगा क्योंकि सैंपल तो डिफाइन है ही नहीं. आर एन के अंदर से निकाल देंगे तो आर एन डॉट सैंपल में से एक रेंज ऑफ इतने में से आपको 60 नंबर्स चाहिए कोई भी रैंडम, तो निकाल के दिया. ये देखो एक सैंपल आपको बोला गया कि इस रेंज में से आप 60 सैंपल्स निकाल दो. सैंपल्स का मतलब क्या होता है, कुछ भी कोई भी एक निकाल के दे दिए, है ना? Yes, समझ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब वो चीजें क्या हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है. ठीक है, अब कैसे रिपीट होगा देखेंगे आप कि डिक्शनरी में वैल्यूज कैसे ऐड होते हैं, कि कोई अगर आपको 2-3 नंबर्स मिल गए तो उनको आप कैसे रिपीट कर रहे हो, कैसे आप उनसे वर्ड बना रहे हो. खेलते हैं ना वर्ड गेम, खेलते हैं ना लोग? यस yes. तो कैसे होता है, बहुत सारी प्रोसीजर है जो रैंडम से बहुत कुछ होता है, देखेंगे आप. चलो जल्दी जल्दी करते हैं. अब इसके बाद आया कि हमारा टॉपिक कहाँ गया भाई, क्या प्रोडक्ट है? हाँ, एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग डुप्लीकेशन. तो डेटा को डुप्लीकेट करना है, मतलब डेटा में रैंडमनेस होना चाहिए, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि देर इज अ बॉल एंड उसमें आपके पास 16 से 20 चीट्स रखे हैं, तो अब स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास, बोल देता 25, तो 25 स्टूडेंट्स आके 16 से 20 चीट्स अगर निकालेंगे तो 5 स्टूडेंट्स तो एक्स्ट्रा हैं, तो चीट्स तो रिपीट होंगे, कोई ना कोई तो निकालेगा चीट. तो रैंडमनेस हुआ ना, वहाँ कोई ऑर्डर एल्गोरिदम तो है नहीं, तो आप तो एक बस हाथ डाले और निकाल लिए, है ना? तो सेम यहीं पे चलेगा कि अभी अब मैं क्या करूँगा, विल क्रिएट अ 4-डिजिट कोड. ठीक है, एक 4-डिजिट कोड क्रिएट करेंगे और अराउंड 10,000 क्रिएट कर देते हैं जल्दी से. ठीक है, अब नमपाई का भी यूज़ होगा आज, तो नमपाई भी यूज़ करेंगे. एक मिनट ना,
चलो इम्पोर्ट डेट टाइम तो नहीं ले रहा हूँ मैं, आपको पता है कि सेकंड्स कैसे आप करते हो, है ना, सेकंड किस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम लेके डेट टाइम डॉट नाउ से आप लोग लेके निकाल सकते हैं ना, तो उस चीज़ पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। चलो अभी हमारा है, हमको कोड बनाना है, ठीक है, ब्लैंक लिस्ट बना दिया, फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैं 10,000 कोड लूँगा, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कोड डॉट अपेंड करूँगा, कैसे कोड क्रिएट करूँगा, मुझे तो अभी क्या चाहिए बताओ, मैं यही प्रोसेस यूज़ करूँगा ना, ज़ीरो से लेके 9 तक नंबर्स चाहिए, 0 से लेके या 9 तक नंबर्स, रिपीट नहीं करना कुछ भी इसमें से, और 4 डिजिट कोड चाहिए आपको, बस आपने कर दिया रन, हो गया कोड। अभी कोड को देखेंगे तो ये रहा हमारा कोड, 8282, अरे ये तो इंडिविजुअली ऐड कर दिया, हाँ तो सैम्पल तो हमने ज्वाइन किया ही ना, देखो हमारे पास वी ऑल हैव कोड, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, विल क्रिएट एन एरे ऑफ कोड्स जो भी हमारे पास आया, चलो cdar np डॉट एरे ऑफ कोड हो गया क्रिएट। तो व्हाट आर द लेंथ ऑफ द कोड्स cdar। अब मुझे ये बताओ कि मुझे देखने हैं अगर कि कितने इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हैं, तो कैसे फाइंड करूँगा, एक छोटा सा कोड, बहुत छोटा सा कोड है, बताइए हाउ विल आई फाइंड। सर एक एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे, जैसे अगर जहां जहां में डुप्लीकेट मिल रहा है, सॉरी सर इफ एल्स लगाएंगे क्या, थोड़ा सा और सिंपल करें। अब एक बात बताओ, मैथ्स में सेट पढ़ा है आपने, सबने पढ़ा होगा, यस सर, यस सर, सेट में डुप्लीकेशंस होते हैं, नो सर, नो सर, तो इजीली हम निकाल सकते हैं क्या लेंथ ऑफ सेट ऑफ ऑल cdar, तो हमको पता चल जाएगा 4, 3, 5 और हैं जो डुप्लीकेट नहीं है, बाकी के डुप्लीकेट्स हैं, है कि नहीं, यस सर, है ना, क्यों इतना लंबा कोड करने जाए एफ एल्स निकाल के, सीधे सेट लगाए निकाल दिए, या तो नंबी में यू हैव ऑल्सो एन ऑप्शन दैट एनपी डॉट यूनिक कर दो, आप यूनिक फाइंड कर लो, कितना किसका यूनिक फाइंड करना है cdar का, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि ये है, तो लेकिन आपको लेंथ फाइंड करना, तो यहाँ साइज देख लो, तो अब साइज 4, 3, 5, 4 है, यहाँ तो आपको एलिमेंट बता दिया जाएंगे, अभी इसी का यूज़ करेंगे हम तो समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ ये देख लो आप, ये सारे यूनिक एलिमेंट्स अभी आपको पता चलेगा, तो कितने 4, 3, 5, 4, तो कितने डुप्लीकेट हुए हैं, 5, 6, 4, 6 डुप्लीकेटेड है, तो हमको पता लगाना है कि 5, 6, 4, 6 है कितने, मतलब कौन कौन से नंबर्स कितने बार डुप्लीकेट हुए, ये दिस इज़ आवर टास्क। अभी इतना पता चल गया ना, रिकॉग्नाइज कर लिया हमने कि कितने डुप्लीकेट्स हैं, अब उसका एनालाइज करना है ना, चलो देखते हैं। तो हाउ विल सी, व्हाट विल डू इज ए बी सी क्रिएट करेंगे, ए बी सी, अब करेंगे एनपी डॉट यूनिक, और इनमें से अभी विल जस्ट गो विथ cdar सबसे पहले, फिर हम देखेंगे रिटर्न काउंट्स इक्वल्स टू ट्रू,
कि हमको काउंट बताइए कितनी बार रिटर्न, कितनी बार रिपीट हुआ, और रिटर्न इंडेक्स, और जो जो जहाँ पे रिपीट हुआ है उनका इंडेक्स नंबर बताइए। बस ये छोटा सा काम है, छोटा सा कोड है बिल्कुल। ये आपने लिखा, रन कर दिया, हो गया। अब आप देखो ए का फर्स्ट एन ऑकरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट एन ए का ऑकरेंस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, फिर 32, 34, 35, 36, ओके फाइन। फिर बी का भी फर्स्ट एन ऑकरेंस देखते हैं, और सी का भी फर्स्ट एन ऑकरेंस। अब बताता हूँ आपको कि बी ए बी सी है क्या। देखो अभी बी में क्या है, 1, 1, 8, 7, 9, 4, ये सब क्या है, ये कोड नहीं है, ये इंडेक्स नंबर्स हैं कि सी डी ए आर के 1, 1, 8, 7 इंडेक्स पर क्या स्टोर है, 0, 1, 2, 3 है, या ए के। अभी देखे सी डी ए आर के 1, 1, 8, 7 पर जाऊँ तो क्या दिख रहा है, 0, 1, 2, 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि ये सी जो है ये है आपका रिटर्न काउंट्स, मतलब अगर ये 3 दिखा रहा है तो मतलब कि ये 1, 1, 8, 7 पे जो भी कोड है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, समझ रहे? तो ऐसे रिपीटेशन जो हो रहे हैं वो कितने टाइम्स हुए, कौन से कोड का सबसे ज्यादा हुआ, तो कैसे पता चलेगा? सी का जो जितना आंसर्स हैं, सी के आंसर्स में देख लेंगे ना कि सी में सबसे ज्यादा ग्रेटर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम कौन सा। तो ऐसा लिख सकते हैं सी डॉट मैक्स, तो 9 है मैक्स, तब सी में 9 है कहाँ, कैसे पता लगाएंगे? सी इक्वल इक्वल्स 9 लिख देंगे तब तो फिर फॉल्स 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 ऐसा आ जाएगा, है ना? प्रॉब्लम होगा फिर तो, फॉल्स टू खोजते रहेंगे। तो इसके लिए वी हैव अ सॉल्यूशन हेयर दैट वी कैन गो विथ एनपी डॉट वेयर। तो वेयर इन सी वैल्यू इज इक्वल्स टू 9, तो कह रहा है 2505 इंडेक्स नंबर पे जाइए, देखिए वहाँ पे 9 है, तो विल चेक इट देयर। तो विल हैव दैट, ये बी में 2505 क्या है, हमारे पास तो इंडेक्स नंबर मिल गया ना, तो हमने देखा बी पे 2505 क्या, 135, ये कह रहा 135 है। तो सी डी ए आर ऑफ 2505 क्या है, 6728, तो ये कोड बता रहा है। अब चेक करते हैं कि वेयर सी डी ए आर इक्वल इक्वल्स टू 6728, तो 135 एक्स, सॉरी सी डी आर क्यों जा रहा है, ए होना चाहिए ना, 5764 होगा। तो क्या मिला आपको आंसर, कि सी डी ए आर में 5764 कहाँ कहाँ है? आपको एक इंडेक्स नंबर मिला, आपने चेक किया 2505 कहाँ पर है, बी में मत जाइए, डायरेक्टली ए पे चले गया है ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो इसी का है, ए का ही है। तो ए पे जाके चेक किए कि 2505 पर क्या है, तो बता रहा 5764 कोड है, तो 5764 को आप पूरे सी डी आर में चेक कर लो अपने कोड जरे पे, तो आपको पता चला कि ये 10 जगह है जहाँ पर 5764 कोड आया है। तो अब उनको वेरीफाई करना है, तो आप एक लिस्ट ले लो और लगा लो, रन कर दो, इस पर वेरिफिकेशन लिस्ट में आप डाल दो इसको, और कर लो फॉर आई इन सी डी ए आर, प्रिंट कर दो आप क्या सी डी ए आर ऑफ आई। अच्छा सी डी ए आर में क्यों जाओगे, वी एल में जाओ और ले लो 5764 आ जाएगा आपको आंसर, कि सारे में 5764 ही है, समझ गए? हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज योर डेटा, यू आर गोइंग टू रिपीट योर डेटा। अब जैसे मैंने कह दिया कि भाई आपको मिल गए कोई 10 वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स मिल गए, उनमें से आपको एग्जीक्यूटिव वर्ड्स निकालने हैं, हैं? जैसे सिमिलरली इसी तरह का कोड ले लेते हैं हम, एक मिनट वेट करो। सर एक क्वेरी है। हाँ बोलो। सर तो इसी लिया था। हाँ लिया था तो सर उसमें बी पर काम और सी पर जो था, ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है कि इंडेक्स पहले आएगा, काउंट लास्ट में आता है, आप जैसा भी लिख लो उसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन इंडेक्स पहले आता है। ओके ओके ठीक है।
वो क्या कभी कभी लिखने में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इंडेक्स हमेशा मिडल पे रहता है, काउंट लास्ट में होगा। तो आप जो भी अल्फाबेट ये सर प्रीफाइंड स्ट्रक्चर है इसका। हाँ हाँ ओके चलो, अभी जैसे दे दिया मैंने कि एक वर्ड है, क्या वर्ड है, पी ओ आई, अच्छा कैपिटल लेते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी रैंडम वर्ड ले लिया हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से अगर मैं 6 डिजिट वर्ड बनाऊँ तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, अब मीनिंगफुल हो बाद में देखेंगे, लेकिन वर्ड्स कितने बनेंगे जो मीनिंगफुल हो, 6 डिजिट वर्ड चाहिए ना मुझे पॉसिबल। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, अब छोटे वर्ड्स, छोटे रेंज तो लगाऊंगा नहीं मैं, तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा रेंज लगाऊंगा यहाँ, है ना, क्योंकि 6 डिजिट वर्ड चाहिए और मीनिंगफुल वर्ड चाहिए, तो बहुत रन कराना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ ऑल दीज व्हाट विल डू, एक एक छोटा सा लिस्ट बनाएंगे यहाँ कि ये हमारा बन रहा है वर्ड्स, अभी आप देखोगे कैसे बनता है वर्ड्स विद, चलो वर्ड्स लिस्ट ही कर देते हैं, है ना। तो व्हाट विल डू इज वर्ड डॉट वर्ड लिस्ट डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है, अगेन सेम थिंग डॉट जॉइन आर एन डॉट सैम्पल, वर्ड में से सैम्पल निकालना है कितना, 6 डिजिट, रन करा दो, वर्ड लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, वर्ड लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ऐसे ना, ये हो गया, थोड़ा सा समय लगेगा, विल बी डन, चलो ये हो जाएगा ना, तो विल कम कन्वर्ट दिस वर्ड लिस्ट एज डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी इक्वल्स टू एन पी डॉट एन एरे ऑफ डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो छोटा कर देता थोड़ा, चलो इतना कर देते हैं, स्टॉप करा के रन री रन करा देते हैं, जल्दी रन हो जाएगा। गूगल को लैब में रन कर, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड्स, नहीं ये तो दूसरा बना, अच्छा अच्छा थैंक यू, चलो वो चल गया, ये नहीं चला, अभी ये भी चल गया, है ना, वर्ड लिस्ट बन गया अपना, ओके अब देखते हैं, अब क्योंकि ये बन गया तो डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी अगर हम चेक करें तो वी हैव बहुत सारे वर्ड्स, तो इन सारे वर्ड्स में से क्या पाइथन वर्ड बन सकता है, वी कैन हैव दैट, क्योंकि पी भी है, वाई भी है, टी भी है, एच भी है, ओ भी है, एन भी है, तो चेक कर सकते हैं कि पाइथन वर्ड है भी कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, एन पी डॉट वेयर डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी में क्या ये वर्ड है, तो बताता है हाँ है, 4 बार बना है ये वर्ड, 4 टाइम्स आए समझ में, डब्ल्यू आर डी और आप निकाल लो 159, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड बना है डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी में, ये देखो। तो अब मुझे जानने हैं कि पी से कितने वर्ड्स बने हैं, तो कैसे पता चलेगा, सो आई विल अप्लाई अ लूप कि मुझे चाहिए वर्ड फ्रॉम पी, है ना, दो दो मिनट रुकना, पाइथन का क्लास है, स्ट्रेट गाइस ना, 2 मिनट रुको,
तो आगे देखते हैं. तो वर्ड्स ऑफ पी कैसे निकालेंगे हम बताओ. अगर मुझे इनमें से देखने हैं कि पी से कितने वर्ड्स हैं, कैसे देखेंगे? है ना, आई वॉन्ट वर्ड्स फ्रॉम पी. तो मैं लूप लगाऊंगा फॉर आई इन डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी. तो वर्ड लिस्ट में से व्हाट आई विल डू फॉर जे इन आई डॉट, कैसे करेंगे बताओ. पहला तो आपने ले लिया ना फॉर आई इन वर्ड लिस्ट. तो आई इन वर्ड लिस्ट में एक आया आपका एलिमेंट. अब उस एलिमेंट का क्या चाहिए आपको? पहला ऑकरेंस चाहिए, समझ रहे बात को? कोई डाउट हो रहा है क्या किसी का? फर्स्ट ऑकरेंस कैसे निकालेंगे एलिमेंट का? अरे तो आई है, अगर आर डी वाई ओ जे एच है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया आपको कि प्रिंट आई, तो ढेर सारा आई प्रिंट होगा आपको. तो है ना, क्योंकि 10,000 है तो प्रिंटिंग होते रहेगा. ठीक, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं. तो अगर मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, अच्छा थोड़ा सा ना रुको, एज प्रोसेस में चला गया. हाँ थोड़ा कम कर देता हूँ. अभी जैसे वर्ड लिस्ट ऑफ पहला 200 ही रख रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट 200 में इतने आ गए. ठीक है, अब इनमें से मुझे पी वाले चाहिए, तो प्रिंट की जगह मैं ये भी लिखूं फॉर जे इन आई प्रिंट जे ऑफ आई. अरे क्यों नहीं दे रहा, एक सेकेंड. ओहो, तो इस पर्टिकुलर टर्म का आपको क्या करना है, जीरो प्रिंट करना है ना, प्रिंट जे ऑफ जीरो. है कि नहीं, समझे कि नहीं बात? या आप ले लो आई ऑफ जीरो, आपको पर्टिकुलरली वर्ड तो चाहिए नहीं, तो आई ऑफ जीरो बार बार प्रिंट नहीं करना आपको, एक बार प्रिंट करना बस हो गया. और प्रिंट भी नहीं करना, यू नीड टू जस्ट गेट इट कि आई ऑफ जीरो है क्या. तो आई ऑफ जीरो क्या है, आ रहे. तो इसी तरीके इफ लगाते हैं पे. हाँ, इफ कहाँ लगाया? इफ कंडीशन होती है ना. नहीं नहीं देखो, मैं ना अभी एक कोड किया था, इस कोड को लेके आते रहो. कहाँ गया अभी वो AIML का टू क्लास है ना. भी लेके आता हूँ वर्ड, रुक जाओ, ये इधर ही है, इतना सोचना नहीं पड़ेगा. किधर गया? सॉर्टेड लिस्ट है ना. हाँ ये रहा, चलो दिख रहा है ना स्क्रीन, यहाँ पेस्ट कर दिया. वर्ड ए वर्ड हमको पी से चाहिए, हमारे पास क्या है फॉर आई इन, क्या हमारा वर्ड लिस्ट डब्ल्यू आर डी एल आई एस टी. तो फॉर जे इन आई ऑफ जीरो, अगर ये पी से चालू हो रहा है तो अपेंड कर देंगे किसमें, वर्ड्स ऑफ पी में. अरे समझ में आ रहा है? यस सर. ए वर्ड लिस्ट में जाएंगे, फिर जे में जाएंगे, और आई का जो पहला जीरो होगा ये जीरो, अगर वो पी के अकॉर्डिंगली होगा तो उसको अपेंड करेंगे, नहीं तो हटा देंगे. ये हो गया सर. एक बार फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो एक्सप्लेन कर दीजिए. देखो अगर मैंने लिखा है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया प्रिंट आई, तो फॉर का काम ये है कि जो भी सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस में वन बाय वन गो थ्रू करेगा और जो भी होगा उसको प्रिंट करेगा.
या आप प्रिंट लगा रहे हो तो प्रिंट करना है, जो काम करा रहे हो वो करना है, लेकिन एक सीक्वेंस पे ही काम करेगा, एक सीरीज. इफ यू हैविंग अ सीरीज और अ सीक्वेंस ओवर देयर, यू कैन अप्लाई फॉर लूप टू वन बाय वन, टू गो थ्रू वन बाय वन थ्रू ईच ऑफ द एलिमेंट्स. अगर रेंज ऑफ फाइव बोला हूँ तो रेंज ऑफ फाइव तक में जितने एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर दिया जीरो से फोर. इधर में मैंने कह दिया कि इस लूप के अंदर फिर इस लूप में जाना है, मतलब पाइथन अगर लिख दिया तो पाइथन आई हो गया, तो इसके बाद अगर जे लगा रहा हूँ कि जे इन आई, तो जे इन आई अभी ये क्या है, एक है, इसके अंदर फिर जाऊंगा तो क्या आएगा, पी वाई टी एच ओ एन, तो उसमें से जीरो क्या है, पी है. ठीक है, अब इफ आई सी माई वर्ड्स पी, तो मुझे आई विल हैव ऑल द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पी. अब इसको आप सॉर्ट कर लो. अगर इसमें सर फॉर जे वाला ना लगा के आई ऑफ जीरो करते, if i of 0 is equal to p, i of 0 equals to p, तो वो 0 element, 0 element consider करता. अब देखो run होने तो नहीं, j in i of वो भी हटा दिया कर, तो मतलब j वाला for loop क्यों use कर रहे हैं हम अलग से, j वाला for loop क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि एक particular element के अंदर आने के बाद आप दूसरे element को भी तो देख रहे हो ना. क्या है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से मुझे चाहिए पी वाले, हाँ जी है ना, तो इनमें से मैं क्या करूंगा, फॉर आई मतलब एक एक एलिमेंट में से जो भी एलिमेंट आ रहा है इसमें मैं क्या जा रहा हूँ, उसके अंदर जाके चेक करूंगा कि पहला एलिमेंट पी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं. आप वहाँ पे फर्स्ट में भी चेक कर सकते हो, ये जो कर रहे हो आप आई है ना, तो एक एलिमेंट जो आ रहा है उसके अंदर जाके चेक करूंगा कि पहला एलिमेंट पी है कि नहीं. पहले तो मुझे ये चेक करना है कि पहला एलिमेंट आया, उसके बाद वो पी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं उसको चेक करना है. चेक होने के बाद अगर पी आ रहा है तो वी कैन अपेंड. आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो कि आपने लिया आई, आई ऑफ जीरो इक्वल्स टू पी, आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हो, ऐसा बोल रहे हो ना कि इसको हटा दिया, वो क्या सिंप्लीफाइड रहता है ऐसा डायरेक्ट से, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये ऐसा आपने रखने बोला, आपने रन कर दिया, एल्स कहाँ गया, इधर आएगा थोड़ा सा, इधर ऐसा, ये रन कर दिया, ये इधर रन कर दिया, आ गया, कुछ चेंज नहीं है उसमें, समझे. अब इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो ऐसा, तो डिक्शनरी फॉर्मेट में आ जाएगा. ये देखो जितने वर्ड होंगे, कितने वर्ड है पी से चेक कर सकते हैं. नाइन्टी थाउजेंड, ठीक है, चलो ओके. तो आज की क्लास एंड करें, समझ में आ गया ना सबको, रैंडम कैसे यूज करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं. यस सर. चलो ठीक, ओके, वीडियो मिल जाएगी आपको. यस सर.